हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे साथियों कि फेसबुक पे दोस्ती करके कहाँ तक ब्लैकमेल से लेकर पैसे मांगने तक बात चली जाती है। अपन को इमोशनल कर दिया जाता है, अपन को बहुत ही तनाव मिला दिया जाता है। किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। लोग नए नए लोगों का वीडियो बन रहा है। आज मेरे बहुत ही करीबी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसने मेरे को शाम को ही फ़ोन करके बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरा ऐसे असली वीडियो किसी ने बना लिया है और हम आवेश में आके मैंने ही जैसी उसने हरकत की वैसी मैंने कर दी। तो हमारा एक ऐसा वीडियो बन चुका है जो हमारे को पैसे मांगता है वो, और उसको ब्लैकमेल उसको वायरल करने की मेरे को धमकी दे रहा है। तो मैंने अभी उससे बात की है, अभी आपके सामने और बात करूँगा किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेंगे कैसे अपन इससे बच सकते हैं। अगर अपने साथ ऐसा वीडियो बन चुका है तो अपन को आगे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे वीडियो से बचाया जा सके। अगर किसी के साथ ऐसा वीडियो बन चुका है तो उसको किस तरीके से ऐसे ऐसे वीडियो से बाहर निकलना है, ऐसे तनाव से बाहर निकलना है, अपन पूरी चर्चा इसमें करेंगे। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले फेसबुक पे अपन को एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। अपन जैसे ही रिक्वेस्ट आती है उसको कन्फर्म कर देते हैं। धीरे धीरे अपने पास हाय हेलो का मैसेज आएगा और वो अपने बिल्कुल करीब रोज़ बात करती जाती है। ठीक है, अब वो लड़की होती है या लड़का होता है अपन उसके कोई कंफर्म नहीं कर सकते। अपन धीरे धीरे उससे चैटिंग ही कर रहे हैं ओनली। चैटिंग करते करते बात व्हाट्सएप तक पहुंच जाती है तो व्हाट्सएप नंबर ले लिए जाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे लगने लग जाता है जैसे अपने किसी नई लड़की से दोस्ती हो चुकी है। तो अपन व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, वो खुद अपने व्हाट्सएप नंबर भेज देती है। और वो लड़की होती है या लड़का होता है अपन को इससे कोई कन्फर्म नहीं है। अपन तो उसके आवेशों में चले जाते हैं, उसके बहकावे में चले जाते हैं। धीरे धीरे बिल्कुल अपन को कुछ भी नहीं दिखता है कि ये लड़का है, कौन है, कोई साइबर ठग है, कौन है। तो व्हाट्सएप नंबर जैसे ही लेते हैं वो अपन से ऑनलाइन सेक्स करने के लिए आग्रह करती है कि अपन ऑनलाइन सेक्स करेंगे या अपन को ऑनलाइन जो चैटिंग है वो वीडियो कॉल पे ही अपन बात करेंगे जो करना है वो। तो इस तरीके से किस तरीके से वो करता है, किस तरीके से वो वीडियो बनाती है अपन आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं उससे बात करता हूँ जो मेरे मिलने वाले ने मेरे को नंबर भेजे हैं उससे। वो 10,000 रुपये ले भी चुका है उससे। अब मैं उससे बात करता हूँ आपके सामने और वो क्या कहता है, आगे कितने रुपये मांगता है। तो ये मैं उसको कॉल कर रहा हूँ जो इसने नंबर भेजे हैं साथी ने। हेलो, हाँ जी सर, एक अजय नाम के लड़के से आपका कोई वीडियो बनाया बताया आपने कुछ, कोई अजय नाम का वीडियो आया हुआ है अजय लड़के के, अजय के नाम से कुछ? हमारे पास हाँ जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, यूट्यूब कंपनी से। तो आप उसको फोन कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो, उसका क्या है सर? कौन सा वीडियो बना है, कौन सा वीडियो बनाया है ऐसा? अच्छा, कोई अश्लील वीडियो बनाया आपने तो आपके पास पहुंचा है, तो आप उसको काटने के पैसे क्यों मांग रहे हैं उसे? अच्छा, तो 10,000 रुपये तो ऑलरेडी आपको दे चुका है ना, तो 30,000 रुपये और किस बात की मांग रहे हैं आप? तो ये क्या गारंटी है आप 20,000 में तो काट दोगे क्या उसको? और नहीं काटा तो फिर वापस आप कह दोगे? आपको पता है मैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आप ले लोगे कौन से अकाउंट में? लेंगे आप मेरे को बताइए, जो अकाउंट नंबर बताइए ना, किसी के फोन पे नंबर क्यों बता रहे हो आप? अकाउंट नंबर बताइए। आपको पता है मैं कौन बात कर रहा हूँ? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। बताइए आप किस बात के 20,000 रुपये? आप तो एक तो आपने अश्लील वीडियो बनाया है उसका,
कितने आपने की वीडियो कॉल आपने किया या उसने किया है ये बताइए मेरे को, वीडियो कॉल किसने किया, वीडियो किसने, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, फ़ोन मत काटिए, वीडियो कॉल किसने किया सबसे पहले, वीडियो मैंने, मेरे को उसने सारी चैटिंग भेजी है, उसने मेरी बात सुनिए, उसने मेरे को सारी चैटिंग भेज दी है, सबसे पहले आप ही उसको कह रहे हो मैंने पूरी चैटिंग पढ़ने के बाद में कॉल किया है, फ़ोन काट दिया इसने, मैं वापस कॉल भी करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने पुलिस स्टेशन का नाम लेते ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया है। तो ये किस तरीके से चैटिंग करते हैं, काफ़ी दिन पहले मेरे पास भी एक आया था मैसेज, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो इस नाम से हैं, सीमा कुमारी, सीमा कुमारी के नाम से कोई फेसबुक आईडी है, उससे मेरे को रिक्वेस्ट आई है, मैंने जो ही एक्सेप्ट किया है, उसने मेरे को कहा है हाय हाय ये आप कौन हो, तो मैंने पूछा है आप कौन हो, तो उसने बताया है कि मैं सीमा हूँ, कहाँ से हो, तो उसने अपना एड्रेस ये देखिए दिल्ली बताया है, आई एम दिल्ली फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने काम पूछा है हाँ तो बोलिए, तो इसने ये देखिए नीचे बताया है कि आपसे फ्रेंडशिप दोस्ती करनी है, तो इसने आपके खुद के जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी यहाँ पे भेजे हैं देखिए। लेकिन मेरे को इस चीज़ का, इस सिस्टम का पहले से नॉलेज था, तो मैं इसे इसको आगे रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसको ब्लॉक यहीं पे ब्लॉक कर दिया। इसने मेरे को फेसबुक से लेके वीडियो कॉल भी किया था, मैंने अटेंड नहीं किया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फर्जी आईडी होती है कुछ इस तरह की, गैंग हैकरों की, मतलब इस तरह जो फ्रॉड करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनकी एक टीम होती है जो अपनी अलग अलग नामों से, लड़कियों के नाम से फेसबुक पे आईडी बना ली जाती है, उसके बाद में काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जैसे ही लोग एक्सेप्ट करते हैं उनसे अच्छी अच्छी घुल मिल के बातें की जाती है और व्हाट्सएप नंबर तक मांग लिए जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर मांगकर लड़के क्या सोचते हैं कि वास्तव में अपने कोई नई दोस्ती हो चुकी है, ये लड़की है, अपने इस लड़की से दोस्ती हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे बातें करके करके आपको आखिरकार यही कहेगी कि अपन को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सेक्स करना है, तो वो अपन को कॉल करेगी, जैसे ही कॉल करेगी अपन उसको कॉल अटेंड करते ही वो खुद अश्लील वीडियो ऑलरेडी पहले से वो बना के रखते हैं, जो कैमरे के सामने इस तरीके से फिट करते हैं, तो अपन उसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये लड़की जो है वो पहले से कोई वीडियो बना हुआ है या अपने साथ कोई अभी लाइव कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ही लाइव नहीं होता है, पहले से कोई वीडियो क्लिप बना हुआ होता है जिसको कैमरे के सामने इस तरीके से फिट किया जाता है कि अपन बिल्कुल नहीं पहचान सकते। अपन क्या करते हैं, वो दूसरे कॉल से ज़्यादातर होता है, आपको जब वीडियो कॉल पे वो बात करती है किसी के साथ हुआ हो तो देखा होगा कि जब वो बात करती है तो किसी दूसरे कॉल से फ़ोन करके कहेगी कि आप भी इसी तरीके से मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप कीजिए। होता क्या है, वो पहले से वीडियो बना होता है, या इसमें क्या होता है, या इसमें क्या होता है, जब वो ऐसी हरकत करती है तो कभी भी बोलती नहीं है, बिल्कुल चुप रहता है, वीडियो पूरा साइलेंट चलता है, वो बिल्कुल साइलेंट रहती है, आपने नोट किया होगा। तो वो साइलेंट क्यों रहता है, क्योंकि जो वीडियो बना हुआ है पहले से, वो कोई पहले से वीडियो बना हुआ है, वो कोई लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वीडियो वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अपन से इधर से वैसी हरकत करवाई जाती है, लोग आवेश में आ जाते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो भी वैसी हरकत जैसे ही करते हैं वो, या जैसे ना भी करते हैं अपन, जैसे मैं नॉर्मल अभी खड़ा हूँ बैठा हूँ और उसको देख रहा हूँ, तो भी वो क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास वो व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि मैंने आपका वीडियो क्लिप बन चुकी है और आपका इसको वायरल करेंगे, आप ये पैसे भेजिए। होता क्या है, देखिए जब इस तरीके का अपने पास व्हाट्सएप पे वीडियो आ जाता है तो अपन बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, बहुत ही बड़ी टेंशन हो जाती है, और होना भी चाहिए क्योंकि अपन ये नहीं सोच पाते हैं उस समय कि क्या ये सही है, या इस तरीके से अब अपना क्या होगा, कहाँ कहाँ समाज में अपनी बेइज्जती हो जाएगी, मिलने वालों को अपन कैसे बताएंगे, कहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। तो वो क्या करता है, पहले ही फेसबुक पे अपने जो फ्रेंड होते हैं उनको खुद भी फ्रेंड बना लेते हैं, और फिर
वायरल करने का अपन को धमकी दे के पैसे मांग करती है। तो सबसे पहले 10,000 रुपये की मांग की जाएगी। अगर अपन 10,000 रुपये भेज देते हैं तो फिर वो 20,000 की आगे बढ़ती जाएगी। या दूसरे तरीके से क्या होता है, वो कहते हैं कि हमने आपका वीडियो है वो YouTube कंपनी को भेज दिया है और वो आपको YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो YouTube के वो दूसरे बंदे का अपन को फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि मैं YouTube कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका ये वीडियो हमारे पास आ चुका है, हम इसको YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, अगर आप ये पेमेंट हमें नहीं भेजोगे तो 10 मिनट में आपका वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पैसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे मेरे किसी मिलने वाले ने कल, जो अभी मैंने कॉल किया इसको, 10,000 रुपये वो भेज चुका है। मैंने उसको पहले वो कॉल कर देता तो मैं 10,000 भी नहीं भेजने देता, लेकिन वो पहले ही भेज के मेरे को कॉल किया। तो कतई इस तरीके से अगर अपने साथ कोई घटना हो जाती है, अपना कोई वीडियो बन जाता है, तो पैसे कभी भी नहीं भेजें, अपने आप पे संयम रखें, कोई भी तनाव में आने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ हो गया है, अपने साथ भी हो सकता है, सावधानी रखें। अगर धोखे से अपने साथ अपना ऐसा वीडियो बना भी किसी ने लिया है तो मैं आपको बता दूं, वो इस असली वीडियो को कतई सोशल साइट पे अपलोड नहीं कर सकता। ये एक रूल्स होता है, नियम होते हैं, कतई एक असली वीडियो को सोशल साइट पे अपलोड नहीं किया जा सकता, वो नहीं करेगा। क्योंकि अपलोड करने से क्या होता है, उसकी सारी लोकेशन, उसकी डिटेल्स सारी उसमें हो जाती है, तो कतई इस तरीके से अपलोड नहीं करता है। हो सकता है अपने पास मैसेज भेज सकता है, वो अपने जो फ्रेंड है उसके पास मैसेज पे वो वीडियो भेज सकता है, इस तरीके से तो वो कर सकता है, लेकिन कतई यूट्यूब पे ऐसे अपलोड नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी यही है कि अगर अपने पास किसी भी अनजान लड़की का वीडियो कॉल आता है तो उसको अटेंड नहीं करें। फिर भी अगर अपन को ऐसा लगे कि इस वीडियो को अपन अटेंड करना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो पहले पीछा वाला कैमरा करके ऑन करके या अपने कैमरे को बंद करके ही अटेंड करें, वेरीफाई करने के बाद ही अपना कैमरा ऑन करें। कहते हैं इस तरीके से अनजान लड़की से चैटिंग नहीं करें। फेसबुक पे बहुत सारे अनजान लड़कियों के, नई नई लड़कियों के अपने पास मैसेज आते हैं जो लड़कियाँ नहीं होती है, जो लड़के किसी लड़की के नाम से आईडी बनाकर अपन को मैसेज करते हैं और अपन को धीरे धीरे फंसाने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अपने किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। ज़्यादा अगर किसी के साथ ऐसा वीडियो बन भी गया है तो कतई अपने आप को इतनी बड़ी तनाव में लाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत पुलिस स्टेशन पर शिकायत कीजिए, ज़रूर आपके सहायता की जाएगी आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपना बचाव करने की कोशिश करें। किसी भी अनजान लड़की का वीडियो कॉल नहीं उठाएं, किसी भी अनजान लड़की से चैटिंग नहीं करें, और अगर हो जाए तो आपको मैंने पहले बता दिया, तुरंत पुलिस स्टेशन पर शिकायत कीजिए, आपके साथ ज़रूर ही आपकी सहायता की जाएगी। अपने साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे मिलने वाले कम से कम 4-5 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, जो मेरे को बता दिया है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। किसी के साथ भी हो सकता है, जहाँ मैं जो इन अभी मैं जहाँ ड्यूटी है वहाँ भी काफ़ी लोगों के साथ, आस पड़ोस में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो हर लोगों की हमने सहायता भी की है, उनसे बात भी की है। जैसे अभी इसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, अब ये कहीं भी अपलोड नहीं करेगा। ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपन को 5,000 रुपये भेज दें, वही बहुत है। इतने रोज़ काफ़ी लोगों के वीडियो बनते हैं, आप सोचो इतने वीडियो कहाँ तक अपलोड हुए हैं, आज तक हुए हैं क्या? हाँ, ये हो सकता है अपने पास मैसेज पे वो वीडियो भेजा जा सकता है। अपने किसी दोस्त को अगर उसने जोड़ लिया, ऐड कर लिया, उसके व्हाट्सएप नंबर मिल गए, उसको मैसेज किया जा सकता है, उसको फेसबुक पे मैसेज किया जा सकता है, इस तरीके से तो वो भेज सकता है, लेकिन कभी भी सोशल साइट पे अपलोड नहीं कर सकता। घबराए नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव ही रखें, अगर हो गया है तो ये सिस्टम जो मैंने बताया सारे फॉलो कीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है सब वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब लोग रिक्वेस्ट है वो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली, अपने मिलने वालों, रिश्तेदारों को इससे जानकारी दें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे सावधान रहें, इनसे बच के रहें। काफ़ी एजेड लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनका साथ भी ऐसा वीडियो बन चुका है।
तो सावधानी ही इसका उपाय है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।